नमस्ते। राजकीय महाविद्यालय अंता के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने गद्य कवि प्रारंभ किए थे और गद्य कवियों में प्रथम गद्य कवि के रूप में हमने सुबंधु को पढ़ा था। दूसरे गद्य कवि के रूप में महाकवि बाणभट्ट की कुछ क्लास हमने ली थी और आज की क्लास में तीसरे गद्य कवि के रूप में हम आचार्य दंडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आचार्य दंडी के विषय में हम सर्वप्रथम इनके जीवन परिचय से प्रारंभ करते हैं। आचार्य दंडी का निवास स्थान था कांचीपुरम। इनके आश्रयदाता हैं नरसिंह देववर्मन प्रथम, ये कांचीपुरम के शासक थे। आचार्य दंडी के माता पिता हैं गौरी और वीरदत्त। आचार्य दंडी का स्थिति काल, वैसे तो इनका सामान्य स्थिति काल 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है, तथापि अलग अलग समीक्षकों के अनुसार इनका स्थिति काल अलग अलग है। जैसे कॉलेंस और काले के अनुसार इनका स्थिति काल 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, याकोबी पीटरसन और बेलवेलकर के अनुसार इनका स्थिति काल 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध निर्धारित किया गया है। फिर भी हम सामान्यतः 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका मानते हैं। आचार्य दंडी वेदर्भी रीति के कवि है और इनकी रचनाओं में मुख्यतः प्रसाद गुण की महत्ता है, प्रसाद गुण की प्रधानता है। इनकी भाषा शैली में सरलता, प्रांजलता, भावपूर्णता, इनका गद्य चूर्णक है, चूर्णक शैली में गद्य लिखा है इन्होंने, सुकुमार शैली है और सोम में ललित पदावली का प्रयोग इन्होंने किया है। आचार्य दंडी के प्रपितामह भारवी माने जाते हैं, जो किरातार्जुनीयम के रचयिता है महाकवि भारवी, ऐसा कहा जाता है कि वे भारवी दंडी के प्रपितामह थे। भारवी को कहीं जगह दामोदर मिश्र भी कहा गया है, कहीं जगह दंडी के प्रपितामह दामोदर मिश्र भी लिखे हुए मिलते हैं। दंडी के विषय में कुछ प्रशस्तियां प्रचलित हैं। एक तो प्रशस्ति है दंडिनः पदलालित्य, अर्थात दंडी जो सुंदर सुंदर ललित पदों का प्रयोग करने में सिद्ध हस्त हैं, इतनी सिद्ध हस्तता अन्य किसी कवि में दृष्टिगोचर नहीं होती। एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति इनके विषय में है कि कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशयः। इसका अर्थ है कि कबीर दंडी, दंडी तो कवि हैं, कवि तो दंडी है, कबीर दंडी कवि तो दंडी है, कबीर दंडी कवि तो दंडी ही है, बस न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात इस सूक्ति के अनुसार आचार्य दंडी सर्वश्रेष्ठ कवि। तीसरी प्रशस्ति देखो आप, त्रियो अग्नयः त्रियो वेदाः त्रियो देवाः त्रियो गुणाः त्रियो दंडी प्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः। त्रियो अग्नयः, तीन अग्नियां प्रसिद्ध हैं, आहवनीय गार्हपत्ये और दाक्षिणात्ये। त्रियो वेदाः, तीन वेद प्रसिद्ध हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। त्रियो देवाः, ब्रह्मा विष्णु महेश। और त्रियो गुणाः, तीन गुण प्रसिद्ध हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तीन अग्नियों, तीनों वेदों, तीन देवों और तीन गुणों के समान त्रियोदंडी प्रबंधाश्च आचार्य दंडी के तीन प्रबंध का वे त्रिषु लोकेषु विश्रुता, तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। इनके तीन प्रबंध काव्य हैं काव्यादर्श, दशकुमार चरितम् और अवंती सुंदरी कथा। ये प्रशस्ति मिलती है सारंगधर पद्धति में, ये ग्रंथ है सारंगधर पद्धति, वहां से ये पंक्ति ली गई। जाते जगती वाल्मीको कवि रित्ते विधा भवत कवि इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दंडिनी। जगति, संसार में वाल्मीको जाते, जैसे वाल्मीकि का जन्म हुआ तो कवि इति अभिधा भवत, कवि नामक शब्द अस्तित्व में आया, क्योंकि वाल्मीकि प्रथम कवि हैं, आदि कवि, उनसे पहले कोई कवि नहीं हुआ करता था।
लेकिन ये मानते थे कि कवि एक ही होता है, बस एक वचन ही कवि का संभव है, द्विवचन संभव नहीं है क्योंकि कवि एक ही वाल्मीकि बस। लेकिन व्यासे जैसे ही वेद व्यास का जन्म हुआ तो कवि अर्थात द्विवचनांतर रूप अस्तित्व में आ गया कि कवि दो भी होते हैं, लेकिन बहुवचनांतर रूप अस्तित्व में नहीं था क्योंकि कवि उस समय तक भी दो ही थे। लेकिन दंडिनी तो ही दंडिनी, लेकिन हे दंडी आपके जन्म लेने से कवय कवि शब्द का बहुवचनांतर रूप अस्तित्व में आया कि कवि दो से अधिक भी हो सकते हैं। इनका रचना परिचय लेते हैं। आचार्य दंडी के रचना परिचय में इनकी मुख्य रचनाएं हैं तीन। काव्यादर्श, यह एक लक्षण ग्रंथ है, आलंकारी ग्रंथ है। एक रचना है दशकुमार चरितम जो कथा है। एक रचना है अवंती सुंदरी कथा, ये भी कथा ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त इनके तीन ग्रंथ और मिलते हैं, छंदो विचिति, द्विसंधान काव्य और कला परिच्छेद। विशेष बात यह है कि दशकुमार चरितम में कथा और आख्यायिका दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, किंतु आचार्य दंडी ने स्वयं इसे कथा स्वीकार किया है। उन्होंने खुद ने कहा है कि यह कथा है। गद्य काव्य के दो भेद होते हैं, कथा और आख्यायिका। उनमें से इसे कथा श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। वस्तुतः कथा का विभाजन खंडों में होता है, तो दशकुमार चरितम का विभाजन भी खंडों में, इसमें तीन खंड हैं, पूर्व पीठिका, दशकुमार चरितम, उत्तर पीठिका, इसलिए इसमें कथा साहित्य के लक्षण मिलते हैं। और साथ में इसने आत्मकथा लिखी है इसमें, इसलिए इसमें आख्यायिका के लक्षण मिलते हैं। उच्छ्वास में विभक्त है, दशकुमार चरितम में आठ उच्छ्वास है, उच्छ्वासों में किसका विभाजन होता है, आख्यायिका का। तो इसमें आख्यायिका के भी लक्षण है और कथा के भी लक्षण है, इस कारण इसे दोनों में रखा जाता है, तथापि इसे स्वयं दंडी ने कथा स्वीकार की है। इन तीनों ग्रंथों में, तीनों रचनाओं में इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है दशकुमार चरितम, जिसके कारण दंडी प्रसिद्ध है। दशकुमार चरितम में वस्तुतः दस राजकुमारों का वर्णन है। दस राजकुमार परस्पर मित्र बनते हैं, देशाटन के निकलते हैं, देशाटन के लिए निकलते हैं, देश भ्रमण के लिए। वो रास्ते में एक परिस्थितिवश अलग अलग हो जाते हैं, सबके साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं, और अंततः जब वे सब पुनः एक स्थान पर मिलते हैं तो वे सभी अपने अपने साथ घटित घटनाओं को सबके साथ साझा करते हैं, सबको बताते हैं। यही इस दशकुमार चरितम नामक ग्रंथ का मुख्य ध्येय है, मुख्य विषय वस्तु। काव्यादर्श तो लक्षण ग्रंथ है, आलंकारी ग्रंथ है, इसमें तो काव्य का लक्षण, काव्य के भेद, प्रयोजन, उपभेद, ये सारी बातों का उल्लेख है, रीति वगैरह, गुण, रस, दोष, सब। तो ये आज हमने आचार्य दंडी के विषय में पढ़ा है। कल हम इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से दशकुमार चरितम का अध्ययन करेंगे, क्योंकि दशकुमार चरितम ही लौकिक काव्यों की श्रेणी में आता है। काव्यादर्श तो लक्षण ग्रंथ है, और लक्षण ग्रंथों का अपने पाठ्यक्रम से इतना संबंध नहीं है। गद्य कवि अपने सिलेबस में है, तो गद्य कवि में काव्यादर्श गद्य काव्य नहीं है, इसमें तो पद्यात्मक कारिकाएं दी हुई है। गद्य काव्य दो है, दशकुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा, इन दोनों के विषय में हमें अध्ययन करना है। विषय भी इन दोनों में से दशकुमार चरितम ही मुख्य ग्रंथ है। आचार्य दंडी की यदि किसी पाठ्यक्रम में, सिलेबस में कोई पाठ चलता है तो वो दशकुमार चरितम का ही पाठ चलता है, अवंती सुंदरी कथा का नहीं चलता। और वैसे भी अवंती सुंदरी कथा, दशकुमार चरितम में कथा वस्तु तो एक ही है, क्योंकि दशकुमार चरितम के नायक नायिका भी राजवाहन और अवंती सुंदरी, और अवंती सुंदरी कथा के नायक नायिका भी राजवाहन और अवंती सुंदरी ही है। दोनों के नायक नायिका एक ही है, तो कथा वस्तु भी वही है। थोड़ा सा दशकुमार चरितम में राजवाहन के अतिरिक्त कुछ अन्य जो नौ राजकुमार हैं उनकी कथा भी है,
और अवंती सुंदरी में, अवंती सुंदरी कथा में केवल राजवाहन की ही कथा है, बस इतना सा अंतर है। तो आज की क्लास में हमने आचार्य दंडी को पढ़ा, कल हम आचार्य दंडी की रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बोलते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।